हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका किचन रेसिपीज़ पे। आज हम बनाएंगे सफ़ेद बैंगन की सब्ज़ी। बैंगन को अच्छे से धोकर मैंने ले लिए हैं और अब इसको हम सफ़ेद बैंगन को चार चार पीसेस में कट कर लेंगे। ये लंबे लंबे इसको हम कट करेंगे और अंदर चेक करते जाएंगे कि इसमें कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है या कोई बैंगन ख़राब तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ चार चार पीसेस में कट कर रही हूँ। इसी तरीके से अगर लंबे बैंगन है तो चार पीसेस में कट कर लेंगे, और बैंगन गोल है तो अपने हिसाब से आप छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मसाले वाले बैंगन बन रहे हैं तो ये लंबे पीसेस में काट कर ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और थोड़े से क्रंची भी बनते हैं, तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप जब बैंगन बनाएं तो कोशिश करें कि इसी तरीके से लंबे पीसेस में काट लें, नहीं तो आप अपने चॉइस के हिसाब से छोटे पीसेस में भी इसको काट सकते हैं। सारे बैंगन कट के तैयार हो चुके हैं। अब मैं यहाँ एक बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है मैंने। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद एक चम्मच राई डाल देंगे इसमें। यहाँ मैं महीन वाली राई ले रही हूँ। राई अच्छे से चटक जाएगी। उसके बाद हम बारीक कटी हुई एक प्याज ली है, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे ऑयल में। अच्छे से भून के सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम इसमें जो लहसुन होता है उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालेंगे और उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब हमारे लहसुन और प्याज अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें तीन चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तभी मसाले का जो अच्छी सी कोटिंग है वो हो जाती है, तो खाने में टेस्टी लगते हैं ये, क्योंकि मसाला बैंगन है। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने आधा चम्मच नमक डाला है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लीजिए। अब इन सारे मसालों को थोड़ा सा पानी डालकर इनको अच्छे से भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। ऑलमोस्ट मसालों ने ऑयल सारा छोड़ दिया है और हल्दी की स्मेल भी नहीं आ रही है। अब हम इसमें जो बैंगन धो के रखे हैं वो डाल देंगे। सारे बैंगन को इसमें ऐड कर देंगे। अब अच्छे से चला देंगे जिससे मसाला इनको पूरी तरीके से कोट कर ले। सफ़ेद बैंगन भी मसाले वाले बैंगन अच्छे बनते हैं और टेस्टी लगते हैं। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बस इसकी जो ऊपर की स्किन होती है वो नॉर्मल बैंगनी वाले बैंगन से थोड़ी सी मोटी होती है। अब हम इसको ढक देंगे और करीब 10-12 मिनट तक ढक ढक कर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं इसको बीच में चला रही हूँ और चला चला के इसी तरीके से हम पकाएंगे। और फिर से इसको एक बार ढक देते हैं ताकि ये और थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब बैंगन ने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है और थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं यहाँ पे बैंगन। इसको थोड़ा सा मैं क्रश कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा दबाने से जो ये बैंगन है वो मसाले में अच्छे से मिल जाएंगे और खाने में और टेस्टी लगेंगे। बैंगन पूरी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे एक चम्मच। अपने स्वाद के अनुसार अमचूर पाउडर थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कम खट्टा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा कम कर दीजिए, वैसे एक चम्मच इसके लिए सफिशियंट है। बैंगन को अच्छे से मिला दीजिए और ढककर 2-3 मिनट तक फिर से हम इसको पकने के लिए रख देंगे, जिससे जो अमचूर पाउडर का टेस्ट है वो अच्छे से इसमें आ जाए। ये देखिए बैंगन पूरी तरीके से बनकर तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। गरम गरम परोसिए
पूड़ी, पराठे, रोटी, जिसके साथ आप इसे खाना पसंद करते हैं, इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कि ये बैंगनी वाले बैंगन से किस तरीके से अलग हैं और खाने में इसमें क्या क्या फ़र्क है। मुझे लगा कि इसकी स्किन थोड़ी सी मोटी होती है। आप भी बताइएगा कि आपको इसमें क्या क्या टेस्ट में और इसके उस पर क्या क्या फ़र्क लगा जो दूसरे बैंगन होते हैं उनके कंपैरिजन में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।